असलम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, व्लॉग शुरू करने से पहले पहले मैं आपको ये पहले बोल दूं जो मैं एक बार हर बार आपको बोलती हूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम व्लॉग शुरू करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। शॉर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लेकर आई हूँ और जो मैंने यूज़ की, मैंने कहा मैं आपसे उसको रिव्यू शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, एक तो मैं ये लेकर आई थी क्योंकि मेरे जो ग्लिटर थे ये ख़त्म हो गए थे। तो ये ग्लिटर अब के पहले जो मैं लाई थी वो मैं आई लाइनर लेकर आई थी ऐसे ग्लिटर में, लेकिन अब के जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं लाई हूँ लिक्विड आई शेडो। तो इनका जो ब्रश है ना वो मैं अभी आपको एक हाथ से, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ वरना मैं आपको ये खोल के ज़रूर दिखाती, कि जैसे लिप ग्लॉस होता है ना उस तरह का इनका ब्रश है। जो लोग यूज़ कर रहे होंगे उनको तो समझ आ गई होगी मेरी बात। तो इसका बहुत खूबसूरत शेड जो मैं लेकर आई हूँ, होप्स हो कि क्लियर आपको नज़र आ रहा हो, और एक लेकर आई हूँ। और इसके अलावा एक शेड में ये वाला शेड जो है ये थोड़ा कॉपर स्टाइल में, और ये वाला शेड जो है वो ब्राइडल जो वाला जो गोल्डन होता है बड़ा खूबसूरत सा, ये वो वाला शेड है। तो मैं ये दो लेकर आपके आई हूँ। मैंने लाइनर नहीं लिए, लिक्विड आई शेडो लिए हैं आपके मैंने। और अब आ जाएँ ये वाला, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इस वाले किस ब्यूटी का मेकअप सॉरी सेटिंग स्प्रे है। तो इससे रिलेटेड मुझे एक दो चीज़ें आपसे को अपनी टिप जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ मेकअप में आजकल वो शेयर करनी है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, ये नहीं कहूँगी कि बुरा है। और उसके बाद अब आ जाएँ दोस्तों ये वाला एमली का कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं वैसे तो आपको पता है मेरे अगर प्रीवियस व्लॉग आपने देखे हों कि मैं वैसे तो यूज़ कर रही होती हूँ एटीट्यूड का, और उस वो बेहतरीन रिज़ल्ट है उसका। लेकिन इस बार मैंने चेंज किया थोड़ा, कि मैं ईद पे अभी लेकर आई थी और ये मेरा इतना ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में दिल नहीं चाहता कोई भी फाउंडेशन या कोई कंसीलर कुछ लगाने का ज़्यादा, तो मैं यही लगा लेती हूँ। अब ये लगाने का तरीका जो है ना, मुझे आपके इसका रिज़ल्ट नॉर्मल है दोस्तों, इसका रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं है। एटीट्यूड जो है ना, जो मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है उसको मैं सबसे नंबर वन पे रखूँगी अभी तक जो मैंने यूज़ किया है। इसका रिज़ल्ट नॉर्मल है, ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा या बहुत ही अच्छा है। तो इससे रिलेटेड एक आप कुछ को जो मैंने बतानी थी टिप, वो ये थी कि जैसे अगर बाद सफ़ा हमारा नहीं दिल चाह रहा होता घर में या बाहर हम जा रहे हैं, कि हम ये जो है क्या कहते हैं कोई और चीज़ फाउंडेशन इस तरह लगाएं हैवी अपने फेस पर गर्मी के उससे, क्योंकि बहुत गर्मी है काफ़ी दिन से हो रही है कराची में, तो इसको आप जस्ट कुछ नहीं करें। ये आप अब कुछ लोग मेरी शायद ये जो मैं आपको टिप बता रही हूँ सुन के बोलेंगे क्या वो गलत सलत तरीका है, लेकिन सच में इस तरीके से भी अगर आप करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप देखेंगे तो बहुत जो है ना कवरेज बहुत अच्छी होती है और ब्लेंडिंग बहुत, आप ये कहूँगी बहुत मज़े वाली हो जाती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सिर्फ ये चीज़ लगाई है, चाहे आप कोई से भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हो। आपने सिर्फ सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे, सबसे पहले फेस अच्छा वॉश करें किसी भी चीज़ से, चाहे साबुन से करें फेस वॉश से करें, फिर आपने कोई सा भी सेटिंग स्प्रे अपने चेहरे पर अच्छी तरह लगा देना है गर्दन तक, फिर आपने ये बहुत अच्छी तरह कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, उसके बाद फिर दोबारा आपने ये लगाना है। और अगर कहीं कहीं आपको लगता है ज़रूरत और है तो फिर और लगा के अच्छी तरह ब्लेंड कर लें पफ से, ठीक है। उससे ये होगा कि इतनी बेहतरीन जस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर की कवरेज बनेगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हमने सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है। आपको ना कंसीलर लगाने की ज़रूरत है, ना आपने कुछ और लगाने की ज़रूरत है, ना आपको फाउंडेशन लगाने की बार बार ज़रूरत है। आप ये टिप ज़रूर आजमा के देखिएगा, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग इस तरह होती है। और फिर इस पर अपना कोई भी आप चीज़ें मज़ीद लगाना चाह रहे हैं आप वो लगा लें, जैसे कि ब्लेशर, लिपस्टिक, आईलाइनर, जो भी, ठीक है। तो ये मुझे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी थी चीज़, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर कर लूँ। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और मज़ीद और इंटरेस्टिंग अगर व्लॉग्स आने वाले हैं जो उम्र से रिलेटेड हैं कुछ, तो वो मैं आपको ज़रूर, या मुझे और भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है तो वो उनसे रिलेटेड मैं आपको जो भी चीज़ मैं खुद यूज़ करूँगी जिसका रिज़ल्ट बेहतरीन होगा वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बने रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई टिप के साथ, किसी नई बहुत अच्छी चीज़ के साथ जो मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।